Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charam Mangal. जैन धर्म बहुत प्राचीन है, भगवान की पूजा हम करते हैं, पर आजकल सब लोग अलग अलग माताओं के जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो सब कहाँ तक उचित है? कुल देवता है तो उसकी पूजा करनी कि नहीं करनी, है ना? देखो, कुल देवता हमारे बुजुर्ग के स्थानीय होते हैं। जैसे घर में माता पिता, दादा दादी के अगर कोई पिताजी हो या उनके पिता के पिताजी, तो कैसे हम उनका रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो जो आज इस धरती पे नहीं है लेकिन किसी समय आपके कुल के पूर्वज थे, कुल के पूर्वजों को ही तो कुल देवता कहते हैं, तो जो कुल के पूर्वज थे उनका रेस्पेक्ट करने की जैन धर्म कभी मनाही नहीं करेगा, क्योंकि जैन धर्म किसी को भी रेस्पेक्ट करने की, नमस्कार करने की कभी मनाही नहीं करता। कोई भी धर्म मनाही नहीं करता, जैन धर्म की बात नहीं है। तो आप उनका रेस्पेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रही बात की थी देवी देवताओं के मंदिरों में जाना कि नहीं जाना, बात जाने की नहीं है, बात यह कि आप क्यों जाते हो, लालच के वश या डर के वश या उनके गुणों के प्रति प्रेम है इसलिए या देखा देखी, क्यों जा क्यों रहे हो? अपने आप से सवाल पूछो ना। देखा देखी जा रहे हो तो इसमें धर्म की क्या बात है? देखा देखी आप मूवी देखने चले जाते हो, एक आदमी मूवी देख के आता है बोलता अरे पद्मावती मूवी बहुत अच्छी लगी है, अभी सब लोग चले जाएंगे। अच्छा, जैन मंदिर की बात कर रहे हो आप, तो जाना कि नहीं जाना, और आपके मन में भाव आया कि जाना है तो जाओ ना, फिर कौन मना करता है आपको? और जाने में कोई बुराई थोड़ी है। अब हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाते हो या किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हो, तो जैन धर्म स्पष्ट कहता है कि हर एक व्यक्ति में गुण है, हर एक व्यक्ति में जो आत्मा है वो परमात्मा ही है ना। आप उसको आत्मा परमात्मा के रूप में ध्याओ तो तुम भी परमात्मा को पाओगे, और तुम उसको ऐसे ध्याओ कि यार ये बहुत अमीर आदमी, ये थोड़ा बना के रखूंगा तो मेरे को भी पैसे मिलेंगे, ये देवी देवता बहुत शक्तिशाली है कभी मेरी भी रक्षा करेंगे, तो फिर तुम लौकिक ऐश्वर्य से जाते हो, तो जिसकी जैसी कल्पना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, या तो वैसा फल मिलता है या उससे विपरीत फल मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी आदमी के पास लालच से जाते हो और सामने वाले को पता है कि तुम लालच से बन करके मेरे पास आए हो, तुम अच्छे लगे तो तुम्हें मदद तुम्हारी मदद करेगा और अच्छे नहीं लगे तो तुम्हें निकाल कर फेंकेगा, क्यों तुम्हारा ध्यान रखेगा? और तुम अच्छे कब लगोगे? जबकि तुम भी उसके लिए कुछ गुणगान करोगे, कुछ तारीफ करोगे, कुछ पूजा भेंट करोगे, कुछ फल नैवेद्य अर्पण करोगे। अभी आप जाओ किसी पुलिस इंस्पेक्टर के घर पे, किसी कमिश्नर के घर पे, किसी वकील, किसी जज के घर पे, तो क्यों जाओगे? कोई काम होगा तो जाओगे ना। और जब जाओगे तो ऐसे खाली हाथ जाओगे क्या? जिसे दोस्ती बनानी है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उसके साथ में, तो अभी देवी देवताओं के साथ भी तुम्हें फिर कुछ तो भोग भोग चढ़ाना पड़ेगा ना, फिर फल पूजा नैवेद्य सब कुछ करना पड़ेगा, तब तुम्हें वो देवी देवता भी प्रसन्न होवे ना होवे, उनकी मर्जी है ना वो प्रसन्न होवे। किसी किसी में प्रसन्न हो जाते हैं, किसी किसी को देखते नाराज भी हो जाते देवी देवता, उनको नहीं समझ में आता ये आदमी तो नाराज भी हो जाते। तो आपको संबंध जोड़ना है तो जाओ, नहीं संबंध जोड़ना है तो काहे को जाते हो? अपने घर में भले नहीं हो आप, पहले से कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, परंपरा है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं बनता है, तो आप करो, तो फिर आपको क्वेश्चन क्यों उठते हैं? आप करो ना, दिल से करो, करते भी हो और क्वेश्चन भी उठाते हो, ऐसे मत करो, प्रेम से करो, किसी को भी रेस्पेक्ट करते हो दिल से करो, सेवा करते हो दिल से करो, पूजा करते हो दिल से करो, और आपको मन में शंका आती है कि पूजा करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर मत करो। और मन में शंका पाल करके पूजा करती हो तो वो पूजा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा और प्रेम में कभी शर्त और कभी शंका नहीं होती। वहाँ शर्त और शंका आ गई तो प्रेम प्रेम नहीं है, पूजा पूजा नहीं है। इसीलिए प्रेम करो तो शर्तें मत डालो, तू मेरा कहना मानेगी तो प्रेम करूंगा, ऐसे नहीं, कभी शंका मत करो, ठीक है। अब कुल देवी देवता का रेस्पेक्ट करने में जैन धर्म मना ही नहीं करता। शास्त्रों में वर्णन आता है राजा महाराजाओं के बारे में भी, जो भगवान के दर्शन के लिए जाने से पहले क्या कर रहे थे, तो वृत्तांत आता है, लिखा हुआ वर्णन मिलता है,
कि वो जाने से पहले स्नान आदि क्रिया करने के बाद में कौतुक मंगल प्रायश्चित करते हैं, यानी अपने घर में जो कुल देवी देवता है उनको जाकर के प्रणाम करते हैं, कोई धूप बत्ती करता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है। ये सब पुराने समय से चली आ रही बातें हैं, और मनुष्य और देवताओं का संबंध तो है ही ना, हमारा और जानवर का जैसे संबंध है, हम एक ही धरती पर रहते हैं, ऐसे देवताओं का और इंसानों का भी संबंध है। और देवताओं से संबंध जोड़ के रखना पुराने समय से इंसानों को प्रिय है, इसलिए इंसान करते हैं, लेकिन वह आत्मधर्म नहीं है, लौकिक धर्म है। आत्मधर्म क्या है? आत्मधर्म ये नहीं है कि तुम चींटियों को दाना डालो, या गाय को चारा डालो, या कुत्ते को रोटी दो, या देवी देवताओं को फूल फल चढ़ाओ, ये आत्मधर्म नहीं, सब लौकिक धर्म है। लौकिक धर्म करने की जैन धर्म मना ही नहीं करता, लेकिन उसको आत्मधर्म ना समझा जाए, उससे तुमको स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कर्म कटेंगे, कल्याण हो जाएगा, ऐसा मत समझो। वो क्यों करना? आपके घर की परंपरा है, करना है तो करो। परंपरा तोड़ करके हो सकता है किसी देवता को अच्छा ना लगे कि कल तक उसको भोग मिलता था, आज भोग नहीं मिल रहा है, तो बुरा मान जाए, तो परंपरा भले मत तोड़ो, लेकिन उसको तुम आत्मधर्म मत समझो। जैन सूत्रों में स्पष्ट लिखा है, लौकिक धर्म को लोकोत्तर धर्म माने तो मिथ्यात्व, और लोकोत्तर धर्म को लौकिक धर्म माने तो मिथ्यात्व। यानी कोई वितराग परमात्मा की स्तुति करता हुआ ये कहे कि हे ऋषभ देव भगवान, मेरा बिजनेस बढ़ाना, तो भैया ऋषभ देव भगवान या पारसनाथ भगवान तुम्हारे वो बिजनेस बढ़ाने वाले देवता नहीं है, वो तो मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध परमात्मा है। उनकी स्तुति इसलिए करो कि तुम भी सिद्ध हो जाओ। नहीं, तीर्थ को लोग अगर इस कारणों से जाते हैं कि तीर्थ पे जाने से मेरा कोई लौकिक फल मिलेगा, तो ये उनकी अपनी मानसिक भ्रमणा हो सकती है। इसीलिए विषय को स्पष्ट करके जानो कि लौकिक देवता को लोकोत्तर मत समझो, लोकोत्तर देवता को लौकिक मत समझो। जो मुक्त हो गए उनसे भोगों की याचना करना, धन की याचना करना, ये सब व्यर्थ है। और जो देवी देवता है उनसे तुम स्वर्ग की, मोक्ष की, मुक्ति की कामना करो, कर्म कटने की कामना करो, तो व्यर्थ है, क्योंकि वे स्वयं कर्मों से बंधे हुए हैं। डॉक्टर के पास जाके तुम वकालत की बातें नहीं करते, वकील के पास जाकर के तुम डॉक्टर की सलाह नहीं मांगते, तो जिसके पास जो है उससे उतनी ही बात की जाएगी ना, अन्यथा क्यों? समझ की शुद्धता होनी जरूरी है। जय हो।